बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की अपनी सफल यात्रा के बाद आज सुबह भारत लौट आए। पीएम नरेंद्र मोदी का विमान सुबह करीब 5:20 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जहां पीएम मोदी का स्वागत किया गया। पीएम के विदेश दौरे को लेकर सीएम शिवराज का बयान आया है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम ने कहा कि देशवासियों को आनंद आता है जब हमारे प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी में पहुंचे तो एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री झुककर उनसे उनके पैर छूते हैं। यह अद्भुत है, अभूतपूर्व है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते हैं कि आप बहुत लोकप्रिय हो, ऑटोग्राफ दे दो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। केवल दो देशों ने ही अपना सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया, बल्कि अफगानिस्तान ने सबसे पहले अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। फिलिस्तीन, यूएई, रूस ने भी सर्वोच्च सम्मान दिया। ये सम्मान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ सम्मान मिला है। यह सम्मान केवल मोदी जी का नहीं, यह सम्मान भारत की 140 करोड़ जनता का सम्मान है। अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं आप दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ के उनकी अगवानी के लिए आते हैं और प्रधानमंत्री जी के पास आकर ही उनके पैर छूकर उनका सम्मान करते हैं। ये शायद दुनिया में पहली बार हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। दो दो राष्ट्रों का, अभी पहले तो अनेकों राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी और फिजी दो दो देश अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से उनको सम्मानित करते हैं और इन देशों के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि भारत हमारी आवाज बनकर उभर रहा है। ये सचमुच में अद्भुत और गर्व करने के लायक है। आज ये लगता है हमें कि भारत माता एक बार फिर से जैसे विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है और दुनिया प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब गर्वित हैं, आनंदित हैं, प्रसन्न हैं।